10 जुलाई को हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है। बता दें कि इस उपचुनाव में निर्वाचन आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह को विधिवत विजयी घोषित किया है। इस उपचुनाव की बात करें तो अमरवाड़ा के चुनावी रण में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से 6 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल के अनुसार नतीजों की अंतिम घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर अमरवाड़ा हेमकरण ध्रुवे ने की, तो वहीं परिणाम की घोषणा के साथ बीजेपी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह को रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। ऐसे में अब बात करें कि किस नेता को कितने वोट मिले, तो निर्वाचन आयोग के अनुसार बीजेपी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह को कुल 83,105 वोट मिले हैं। उन्होंने अपने विपक्ष कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 3,027 मतों से शिकस्त दी है। बता दें कि धीरेन्द्र शाह को 80,078, अहिंसा समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रदीप तेमाक को 2,268, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवीराम उर्फ देवरावेन भलावी को 28,723, जनसेना गोंडवाना पार्टी के एडवोकेट राजकुमार सरयाम को 749, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी की रीता मरकाम को 594, निर्दलीय अतुल राजा उइके को 2,232 और निर्दलीय शुभाराम भलावी को 1,530 और नोटा को 3,403 मत प्राप्त हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो इस उपचुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की ही खानी पड़ी है। तो वहीं आगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में विजय प्राप्त करने पर क्षेत्र की जनता को बधाई दी है। उन्होंने जीत के लिए अमरवाड़ा की जनता का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रदेश और अमरवाड़ा का विकास और तेज से होगा। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि पिछली बार भी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, इस बार उपचुनाव में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नतीजे सरकार पर जनता का विश्वास, विचारधारा और जनता के बीच घनिष्ठ रिश्ते का प्रतीक है। बता दें कि कमलेश शाह ने 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार रहते पहली जीत हासिल की थी। उसके बाद साल 2018 और 23 में कांग्रेस से विधायकी बनाए रखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में आने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दिया। उसके बाद उपचुनाव में अब जीत हासिल की है।